उतर जाओ माँ, उन पर से उतर जाओ माँ। तुम्हारी हाँ कौन सा प्राकृतिक है माँ? व्याघ्र प्राकृतिक है। हाँ प्राकृतिक तो होते हैं माँ। हाँ माँ ये भी तो सब संपूर्ण प्राकृतिक है माँ, इनको यहाँ बोल दो और तुम्हें आप व्याघ्र राज ही आप इधर आ। आसन पे आ जा माँ। जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ। कौन सी बात है माँ? किसका? हाँ माँ तुम तो हमेशा देती हो माँ अच्छे अच्छे संदेश। हाँ नहीं सुनते हैं तो हाँ माँ ज्ञान की गंगा प्रवाहित होती है, किसके हाथ में कितना आता है वो उस व्यक्ति के हाथ में है माँ। हाँ माँ गंगा किसी को नहीं रोकती। हाँ दो माँ आज का ज्ञान दो माँ। हाँ किसको? हाँ माँ हाँ हाँ इसको। हाँ माँ फिर से रह गया है माँ, पूरी तरह चिपक गया है। जय माँ हटा रहे माँ। जय माँ माँ तू हटाना माँ। जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ। हाँ जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ। नहीं माँ कुछ नहीं हुआ है। जय माँ हाँ माँ हो गया माँ। जय माँ कर लिए माँ। हाँ बोल माँ क्या बताना है? तुम्हें प्रकृति बहुत प्रिय है इसीलिए प्राकृतिक वस्तुओं का उपभोग पसंद है, हरियाली पसंद है। हाँ हमारा हरियाली सभी को पसंद है माँ। अच्छा तुम्हें मतलब माँ तुमको प्रकृति प्राकृतिक चीजें पसंद है, प्रकृति पसंद है, हरियाली पसंद है और आज मनुष्य हरियाली का नाश कर रहा है। किसका नाश? मनुष्य जाति विलुप्त होने की स्थिति में आ रही है। क्यों माँ मनुष्य जाति विलुप्त होने की स्थिति में क्यों आ रही है माँ? मैं क्या बताऊ माँ, कोई जिस प्रकार किसी तरह से कोई भयावह कुछ बात हो, कुछ आक्रमण हो या किसी अन्य स्थान से कोई धूमकेतु पृथ्वी से टकरा जाए तो हाँ मतलब मनुष्य जाति का विलुप्त होना अथवा ना होना सब मनुष्य के हाथ में है। किसी बाहरी आक्रमण द्वारा अथवा किसी धूमकेतु द्वारा टक्कर से ऐसा नहीं होगा।
उसके लिए सुरक्षा का उपाय कर लिया है। मतलब नहीं समझ में आया वहां। मनुष्य जाति का विलुप्त होना अथवा ना होना मनुष्य के हाथ में है, और किसी बाहरी आक्रमण और किसी धूमकेतु की टक्कर से मनुष्य का विलुप्त होने का संभावना नहीं है। आपसी क्लेश, फूट, विद्वेष, एक दूसरे पर आक्रमण, आंधी दौड़। किसकी? विकास की दिशा में आंधी दौड़। स्वयं को अन्य की तुलना में अधिक बेहतर प्रमाणित करने के कारण दूसरे को हानि पहुंचाना, वह स्वयं के लिए भी हानिकारक है। इसी से हर व्यक्ति एक दूसरे को हानि पहुंचाकर स्वयं का भी नाश कर लेगा। क्या बोलूं मैं ये संपूर्ण बात? अच्छा, माँ ध्यान नहीं रहा। माँ हर व्यक्ति मतलब कहीं किसी बाहरी आक्रमण से नाश होने की संभावना नहीं है। हर मनुष्य स्वयं को दूसरे से ऊंचा दिखाने के कारण दूसरे पर हमला कर रहा है और विकास के लिए अंधी दौड़ में शामिल है। प्रकृति भी, हाँ, और प्रकृति का नाश कर रहा है। हाँ, और हर व्यक्ति एक दूसरे पर आक्रमण कर रहा है। जिस पर आक्रमण हो रहा है वह भी सामने वाले पर आक्रमण कर रहा है, और दोनों ही नष्ट हो रहे हैं। हाँ माँ, तो लोग आपस में ही आक्रमण करके, एक दूसरे पर आक्रमण करके स्वयं नष्ट हो रहे हैं। हाँ, बाहरी आक्रमण द्वारा नहीं बल्कि स्वयं अपने भीतर के आक्रमण द्वारा लोग नष्ट हो रहे हैं। और यही समझे कि मनुष्य जाति का लोभ होना आपसी आक्रमण के कारण होगा। विनाश के लिए अस्त्र शस्त्र तैयार हो रहे हैं। जब तक तैयार हो तब तक कोई समस्या नहीं, परंतु उनका प्रयोग विनाश और तबाही को आमंत्रण है। हाँ, मतलब अपने क्या फिर से बोलो माँ। हाँ माँ, मतलब ये था कि सब अपने लिए अस्त्र शस्त्र तैयार कर रहे हैं एक दूसरे पर आक्रमण करने के लिए, और अस्त्र शस्त्र तैयार करने कोई समस्या नहीं, परंतु उनका प्रयोग करने से विनाश होगा। अत्यंत आवश्यक होने पर ही उसका प्रयोग हो। किसी पर नियंत्रण करने अथवा स्वयं को श्रेष्ठ दिखाने हेतु उसका उपयोग नाश को बुलावा देगा। हाँ, किसी पर अपना नियंत्रण बनाने के लिए और स्वयं को उससे श्रेष्ठ बताने के लिए यदि अस्त्र शस्त्र का उपयोग किया जाए तो वह विनाश नाश को बुलावा देगा। प्रकृति के संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ना सभी का दायित्व है। प्रकृति के संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ना सभी का दायित्व है। हाँ माँ, सभी को प्रकृति के तरफ लाना है माँ। अपनी सुरक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र भी होने चाहिए, परंतु अनावश्यक प्रयोग नहीं। हाँ माँ, तुम भी हंसते हो, अच्छा है माँ, तुम भी हंसती हो, अच्छा लगता है। जय माँ, जय माँ, जय माँ, हे माँ। और क्या
सभी को बता देंगे माँ। हाँ माँ, मतलब प्रकृति के संरक्षण में लगना है और आपसी क्लेश आपसी विवाद को नष्ट करना है और एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करना है, नहीं तो हम लोग समाप्त हो जाएंगे। हाँ माँ, हाँ माँ, ठीक है माँ, ठीक है। हाँ जय माँ, माँ समझ गए, माँ समझ गए, माँ। ए माँ, माँ रुक जाए, माँ रुक ना, माँ रुक ना, माँ चरण भी यहाँ बाकी है, माँ चरण रखना है माँ। हाँ, उनको भी जय कर ले रहे। हे व्याघ्रराज जी, आपकी भी जय हो, कि हम पर आशीर्वाद बनाए रखिए। जय हो, जय हो, जय हो व्याघ्रराज जी की। हाँ माँ, हाँ माँ, जय माँ, जय हो प्रभु, जय माँ। हाँ माँ, किसके चरण? अच्छा माँ, माँ हम तुम्हारा चरण रख लेंगे माँ, ठीक है माँ। हे व्याघ्रराज जी, अपने चरण से हमें भी, हाँ हमें भी अपने चरण रख करके आशीर्वाद दीजिए। जय हो व्याघ्रराज जी, जय हो, जय हो, जय हो माँ, माँ। हाँ माँ, जय माँ, जय माँ, जय हो, जय हो, जय माँ, माँ। हाँ ये, जय हो प्रभु, जय माँ, 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 जय माँ। हाँ, नहीं माँ भैंस नहीं, तो बहुत दिनों के बाद हुआ माँ, इसलिए जय हो, जय हो, जय माँ, जय माँ, माँ जय माँ, माँ अपने चरण दे दे माँ। हाँ माँ, जय 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 माँ। हे माँ नहीं गा रहा है माँ। हाँ ओ मैम, ह्रीम क्लीम चाहू डाय, ओ माँ आज बहुत हल्का है माँ। ओ मैं चाबू डाय विचे, 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 ओ ओ वाह वाह कब कौन सा फूल गए माँ? हाँ तो हरी वाली माँ तुम भी थी माँ। माँ जय माँ, जय माँ, माँ पर चेहरा तो सब एक ही है माँ। हाँ माँ, जय 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 माँ।